भारत में आज भी विवाह पूजा आदि के समय अनेक ऐसे रिवाजों का पालन किया जाता है जिसके कुछ सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व होते हैं। हमें से कुछ ही लोगों को यह मालूम होगा कि आखिर क्यों विवाह की पहली रात को विवाहित जोड़े को दूध का सेवन कराया जाता है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि यह सोचते होंगे कि आखिर क्यों यह परंपरा अपनाई जाती है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस लोकप्रिय परंपरा मनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या हैं। क्या है परंपरा? भारत में प्राचीन काल से ही नवविवाहित जोड़े को विवाह के बाद पहली रात्रि में दूध से भरा गिलास दिया जाता है। इस दूध में केसर और बादाम को भी मिलाया जाता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के ऐसे अवयव होते हैं जो दूध को स्वादिष्ट बनाते हैं। धार्मिक महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार दूध एक शुद्ध पदार्थ है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। चूंकि नवविवाहित युगल ने अपने नए जीवन को एक साथ शुरू किया है, इसलिए उन्हें दूध में कुछ अवयव मिलाकर एक बेहतरीन पेय दूध के रूप में दिया जाता है। इस परंपरा की वास्तविकता कई प्रसिद्ध ग्रंथों के अनुसार दूध को शारीरिक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। दूध से सहन शक्ति और ऊर्जा बढ़ती है। यह विवाहित जोड़े को पहली रात विवाह के दौरान हुई थकान को खत्म करने के लिए दिया जाता है। दूध में शहद, चीनी, हल्दी और काली मिर्च तथा सौंफ का रुपया मिलाने से स्वादिष्ट होने के साथ ही वे शक्तिवर्धक भी बन जाता है। इसलिए हिंदू शादी की परंपरा में इसे जोड़ लिया गया है। दूध को तैयार करने की विधि। इस दूध में केसर, हल्दी, चीनी, काली मिर्च पाउडर, बादाम और सौंफ मिलाई जाती है। ये सभी चीजें मिलाकर दूध को उबाला जाता है और फिर गुनगुना गर्म दूध दूल्हे को दिया जाता है। दूध में मिठास के लिए चीनी न डालें। मीठा दूध कफ का कारण हो सकता है। चीनी मिलाकर पीने से कैल्शियम नष्ट होता है। इसमें प्राकृतिक मिठास होती है। अगर मीठे की जरूरत हो तो शहद, मुनक्का या मिश्री डालें। दूध के बहाने पहले ज्यादातर ऐसा होता था कि दूल्हा और दुल्हन शादी से पहले एक दूसरे से अनजान होते थे। इस वजह से शादी की पहली रात दूल्हा और दुल्हन काफी तनाव में रहते थे। दूध के बहाने दोनों में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ जाता था, जिससे उनके बीच का आपसी तनाव कम हो जाता था। मान्यता है कि एक ही गिलास से दूध पीने से प्यार बढ़ता है। दूध नहीं दवा है। हल्दी, काली मिर्च और सौंफ से युक्त यह दूध कई गुणों से परिपूर्ण होता है। इन तत्वों से युक्त दूध में एंटीबैक्टीरियल और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले तत्व मौजूद होते हैं। जब कोई पहली बार शारीरिक संबंध बनाता है तो इंफेक्शन होने का काफी खतरा बना रहता है। ये खास दूध प्रतिरक्षा बढ़ाकर इस जोखिम कम कर देता है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि शादी दो आत्माओं का मिलन होता है। यह जीवन की एक बड़ी शुभ घटना मानी जाती है। शादी की पहली रात को सुहाग रात कहते हैं, जिसमें पति और पत्नी दोनों एक हो जाते हैं। इस रात को यादगार बनाने के लिए पति पत्नी के कमरे को हर तरह से सजाया जाता है, ताकि वो पल पूरी जिंदगी उन्हें याद रहे। कहा जाता है कि उस रात दुल्हन दूल्हे को दूध और केसर से भरा गिलास देती है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में दूध को शुक्र और चंद्रमा ग्रह का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि दुल्हन का दूध के गिलास को ले जाने का प्रभाव इन दोनों ग्रहों पर पड़ता है। माना जाता है कि शुक्र और चंद्रमा वैवाहिक जीवन को बनाते हैं। दरअसल शुक्रवार ग्रह पुरुषों में शुक्राणु और
कामेच्छा का प्रतीक माना गया है, जबकि चंद्रमा मन का प्रतीक। ज्योतिष के अनुसार दोनों ग्रहों में संतुलन स्थापित करने के लिए दूध रसों का निर्माण किया गया है। यही कारण है कि सुहाग रात को दुल्हन दूल्हे के लिए दूध से भरा गिलास कमरे में लेकर जाती है। वैज्ञानिक कारण, दूध को शक्ति का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि दूध का उपयोग करते रहे हैं। इसके अलावा यह वैज्ञानिकों द्वारा भी सिद्ध है कि दूध एक संपूर्ण आहार है। इसमें केसर, बादाम, शहद या सौंफ को मिलाने से यह स्वादिष्ट के साथ शक्तिवर्धक भी हो जाता है। यह शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन जैसे हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, जिससे बेहतर शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे विवाह के संस्कारों के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रस्में अभी और भी हैं, उनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में जानेंगे महिलाओं के 16 श्रृंगार का क्या महत्व है। तो जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, जिससे और भी रोचक जानकारी हम आपको देते रहे। आप हमसे प्रश्न भी कीजिए, आप और क्या जानना चाहते हैं। हमारा हर संभव प्रयास होगा कि आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सके। जुड़े रहिए हमसे, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारी मिलती रहे। अगर सनातन परंपराओं से जुड़े ये वैज्ञानिक तर्क आपको वाकई में पसंद आए हैं, तो इसको शेयर कीजिए, जिससे जो लोग अभी तक इनके बारे में नहीं जान पाए हैं, वो भी हमारे महान पूर्वजों द्वारा बनाए गए जीवन उपयोगी सिद्धांतों को जान और उन पर अमल कर सके, जिनकी उपयोगिता आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है।